तो संपूर्ण लॉकडाउन के 13 दिन बाकी हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के तेल अवीव शहर में एक मिसाइल कारखाने में इन दिनों वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिसाइल सेंटर को वेंटिलेटर बनाने वाले कारखाने में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा कोरोना की महामारी के चलते दुनिया भर में वेंटिलेटर की कमी होने की वजह से किया जा रहा है। अचानक से कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से, कोरोना संक्रमित लोगों के बढ़ते मामले की वजह से, खास करके वेंटिलेटर का डिमांड दुनिया भर में बढ़ने की वजह से ऐसा किया गया है। इजराइल में कोरोना से अब तक 17 मौतें हो चुकी है, जबकि 5000 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। इजराइल में अभी 2000 वेंटिलेटर हैं, जबकि जरूरत इससे कहीं ज्यादा वेंटिलेटर्स की है। यहां पर 30 वेंटिलेटर बनाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा, जो कि एक बड़ी मदद होगी।